जो काम सुशील मोदी करना चाहते थे वो काम हो भी गया। सीएम फेस को लेकर सुशील मोदी ने ट्वीट क्या किया, महागठबंधन में खींचतान शुरू हो गई। आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर रखा है, लेकिन आरजेडी के दूसरे सहयोगियों ने अभी तक इस पर हामी नहीं भरी है। तो क्या सच में तेजस्वी पर महागठबंधन को भरोसा नहीं है, या फिर कहानी कुछ और है जिसका फैसला बाद में होगा? महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट पर खींचतान, तेजस्वी को आरजेडी ने बताया है सीएम का कैंडिडेट। कांग्रेस, हम और वीआईपी ने नहीं खोले पत्ते, सुशील मोदी जो चाह रहे थे वही हुआ। तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट पर सवाल उठाया तो महागठबंधन में सवालों के सिलसिले शुरू हो गए। हम और वीआईपी के तेवर को देखकर तो यही लगता है कि उन्हें अभी तेजस्वी पर भरोसा नहीं है। अरे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा स्ट्रगलर का भी तो एक स्टैंड है, जो आज नहीं 4 वर्षों से इसको कैरी आउट कर रहे हैं कि अगर बिहार का कोई मुख्यमंत्री होगा तो हम लोग वाद करेंगे कि 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाइए, और ये तीनों जो पद होगा तो एक शेड्यूल कास्ट का होगा, एक अति पिछड़ा का होगा, एक मुसलमान का होगा, और ये तीनों में एक महिला जरूर होगी। लेकिन हमारा स्टैंड अलग है, राजद का स्टैंड अलग है, ये सब एक जगह होकर के हम लोग निर्णय लेंगे तब कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाती है, जो कि अंदाज है कि 15-16 के बाद बनेगी, और उसमें जो निर्णय होगा वो निर्णय फाइनल माना जाएगा कि हाँ कौन आगे का चेहरा रहेगा। नहीं ठीक है, अभी सही बात है कि महागठबंधन की तरफ से हमारा चेहरा कौन होगा 2020 का, वो अभी तय नहीं हुआ। भला रहा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अपना चेहरा घोषित किए हैं, लेकिन महागठबंधन का अभी तय नहीं हुआ है। महागठबंधन के घटक दल भले अभी तेजस्वी के नाम पर तैयार न हो, लेकिन आरजेडी ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी उनके सीएम कैंडिडेट थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सोनिया और लालू मिलकर आखिरी फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे उस पर महागठबंधन काम करेगा। देखिए महागठबंधन से राय क्या है, अपने दल में सोचे ना सुशील मोदी, अपने लिए सोचे। परिस्थिति के उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट श्री तेजस्वी प्रसाद यादव कल भी थे, आज भी है। कि ये तो सब मिलके आलाकमान फैसला करता है, लालू जी सब लोग जो महागठबंधन में शामिल सभी नेता लोग हैं, सोनिया जी राहुल जी के लेवल पे फैसला होगा, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। आरजेडी ने भले तय कर लिया हो कि तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये भी साफ है कि तेजस्वी पर अभी महागठबंधन में आम सहमति नहीं है, और समय रहते ये साफ नहीं किया गया तो खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली से स्वप्निल के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया।